Hello students, welcome to your social science class. Today we are going to start the first lesson of the book, which is Resources of India Part 1. तो सबसे पहले ये बात आती है कि what are resources? Resources क्या हैं? When we talk about resources, these are those substances which fulfill human needs and wants. यानी वो substances जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करते हैं वे रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे एयर, ह्यूमन नीड एयर, बेसिकली ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, मनुष्य हवा के बिना नहीं रह सकता. पानी, वाटर अनदर रिसोर्स विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स. मनुष्य पानी को कई कामों के लिए इस्तेमाल करता है, लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. ऑल्सो वेन वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं और विच आर नेचुरली अवेलेबल टू द ह्यूमंस. एंड मैन विथ हिज इंटेलिजेंस कन्वर्ट्स दीज रिसोर्सेज इनटू द सब्सटेंसेस विच ही रिक्वायर्स. तो इंसान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन रिसोर्सेज को अपने उपयोग के सामान में बदला है. मनुष्य खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. एक शिक्षित इंसान अपने देश का एक मूल्यवान रिसोर्स है. रिसोर्सेज एज सच देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसीलिए इसे समझने के लिए वी हैव क्लासिफाइड द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस. सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इसके अंतर्गत दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, पर्सनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज. तो सबसे पहले पर्सनल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज विच आर पर्सनल टू एन इंडिविजुअल, मनुष्य की निजी चीज़ें जैसे उसका घर, प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी इमेजिनेशन पावर, हिज टाइम एक्सेट्रा. नेशनल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विद इन द नेशन, जो पूरे देश से जुड़ा हो, जैसे देश की मिट्टी, पानी, जंगल, मिनरल्स एक्सेट्रा. और फिर वर्ल्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर पर्टेनिंग टू द वर्ल्ड आर वर्ल्ड रिसोर्सेज, लाइक द एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. On this basis, the resources are classified in four types. First is renewable resource. तो जैसे नाम से ही पता चलता है, renewable, re मतलब फिर से, new यानी नया, और able मतलब क्षमता. So those resources which can be used repeatedly and replaced naturally are renewable resources. वैसे तो ये कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, एयर एक्सेट्रा. लेकिन इंसान अपनी गतिविधियों से इन्हें पल्यूट जरूर करता जा रहा है. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. जैसे नाम से पता चलता है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स के विपरीत है, यानी एक बार इस्तेमाल करने से ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. अगला रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, एग्जाम्पल आयरन, पेपर एक्सेट्रा. एंड द लास्ट इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट एग्जॉस्टेड इवन इफ दे आर यूज्ड, अर्थात कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी. अब अगला जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर है, मतलब रिसोर्सेज धरती पर किस तरह से उपलब्ध हैं. सो बेस्ड ऑन दिस दे आर क्लासिफाइड इन फोर मेन कैटेगरीज. फर्स्ट इज इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज. दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, जैसे एयर या फिर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अवेलेबल एवरीवेयर, वो हर जगह मौजूद है. नेक्स्ट इज कॉमन अवेलेबल रिसोर्स, यानी वो रिसोर्स जो ज़्यादातर इलाकों पर अवेलेबल है, जैसे वाटर. अगला है रेयरली अवेलेबल रिसोर्स, मतलब वो रिसोर्सेज जो बहुत ही कम जगहों पर अवेलेबल है, जैसे यूरेनियम,
पेट्रोलियम एक्सेट्रा, और आखिरी है सिंगल रिसोर्स, दैट मीन्स दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल विच इज फाउंड ओनली इन ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म. अब अगली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन यूजेस, इसे भी चार टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. पहला है अनयूज्ड रिसोर्स, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल में नहीं हैं उन्हें अनयूज्ड रिसोर्स कहते हैं. जैसे कुछ मिनरल्स के डिपॉजिट की जानकारी तो है लेकिन उन्हें एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज अनयूजेबल रिसोर्सेज, दैट इज रिसोर्सेज विच कैनॉट बी यूज्ड फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक. इट मीन्स द प्रेजेंट डे टेक्निक के बावजूद हम इन रिसोर्सेज का और इस्तेमाल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर नोन टू द मैन बट आर नॉट इन यूज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और प्लानिंग. मतलब इन रिसोर्सेज की जानकारी तो है लेकिन प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में इन्हें यूज नहीं कर सकते. मे बी दे माइट बी यूज इन द फ्यूचर. एंड द लास्ट टाइप इज लेटेंट रिसोर्स. ऐसे कई रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनकी जानकारी मनुष्य को नहीं है. जैसे पेट्रोलियम एक लेटेंट रिसोर्स था, इट ओनली बिकेम अ यूजफुल रिसोर्स व्हेन मैन केम टू नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. द रिसोर्सेज दैट वी विल बी स्टडिंग इज दिस इन दिस चैप्टर आर सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिसोर्स विच इज सॉइल. सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट which contain the organic matter, minerals, living organisms, etc. It is necessary for the growth of plants. यानी धरती की सतह जिस परत से ढकी हुई है, जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, उसे soil कहते हैं. ये organic matter, minerals, microorganisms जैसे तत्वों से मिलकर बनती है. Since soil is that part of earth where vegetation grows, hence it is very important for all living organisms. Plants are the main producers of food which are directly or indirectly consumed by the other living organisms including humans. Many raw material for the industries are also obtained from the plants. Now though soil is a renewable resource, lekin pata hai ise banne ke liye bahut zyada samay lagta hai. Jaise 1 cm moti layer banne ke liye कई सैकड़ों साल लग जाते हैं. और सॉइल बनने के लिए वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, पेरेंट्स रॉक्स एक्सेट्रा मदद करते हैं. अब ये बात आती है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसकी सॉइल प्रोफाइल कैसी है. सॉइल जो है वो अलग अलग लेयर्स से बनी है. दैट इज़ व्हाई व्हेन वी स्टडी द सॉइल प्रोफाइल वी सी द लेयर्स कॉल्ड होराइजन्स विच आर अरेंज्ड during the formation of the soil. This sequence of layers is called the soil profile. The main layers of the soil can be easily observed by their color and size of particles. तो जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे टॉप सॉइल कहते हैं. इसे ह्यूमस लेयर भी कहते हैं because this layer consists of decomposed materials and organic matter. इसके बाद वाली लेयर को सब सॉइल कहते हैं जिसमें छोटे छोटे रॉक्स, सैंड पार्टिकल्स वगैरह आते हैं. द थर्ड लेयर इज वेदर्ड पेरेंट रॉक और आखिरी लेयर पेरेंट रॉक की होती है. अगर इंडिया की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा देश है जिसके कारण इसके क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और इसी कारण यहाँ कई प्रकार के सॉइल भी देखने को मिलती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल. इसे क्ली या लूमी सॉइल भी कहते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज वेरी फाइन पार्टिकल्स. इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द थ्री मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया विच आर द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द सतलुज अलोंग विथ their tributaries. और ये जो fine particles हैं उन्हें एलुवियम कहते हैं.
It is found mainly in the north part of India and also along the delta regions of southern rivers. Next type of soil is black soil. It is also known as rigor or black cotton soil. It is dark black in color and can retain moisture for a long time. इसमें काफ़ी केमिकल एलिमेंट्स भी मिले होते हैं. ये जब गीली होती है तो चिकनी होती है, लेकिन जब सूखती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, विच हेल्प्स इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल. ये ज़्यादातर डेक्कन के एरिया में मिलती है, मतलब भारत के मध्य भीतरी इलाकों में. ये मिट्टी कॉटन और अनाज की खेती के लिए सूटेबल है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज रेड सॉइल. इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इट अपीयर्स रेड इन कलर बिकॉज इट इज रिच इन आयरन. इट इज पोरस इन नेचर. द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल इज बाजरा, कॉटन, व्हीट, मिलेट्स एक्सेट्रा. This brings us to the next type of soil, which is laterite soil. It is formed with the disintegration of laterite rocks. ये मिट्टी उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ सूखा और गीला मौसम बारी बारी से आता है. It is of three types: dark red laterite soil, white laterite soil, and laterite soil of underground water. This soil is suitable for rice, cotton, wheat, tea, coffee, etc. Next type of soil is desert soil. ये मिट्टी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब जैसे सूखे इलाकों में पाई जाती है. इसके पार्टिकल्स बालू के पार्टिकल्स जैसे थोड़े मोटे होते हैं. इस मिट्टी में मॉइस्चर कम होता है, बट इरिगेशन मेक्स इट फर्टाइल. जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है, वो ज़मीन कुछ समय के लिए खाली पड़ी रहती है या फिर वे धीरे धीरे बंजर हो जाती है. इसमें ज्वार, बाजरा, सब्जियाँ, गन्ना जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं. एंड द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज माउंटेन सॉइल. एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ फाउंड ऑन द हिमालयन रेंजेस. It is deposited on the steep slopes of Himalayas. Generally, the soil is fertile and rich in humus. और अगर rainfall भी sufficient है तो वहाँ चाय और आलू की खेती की जा सकती है. अब ये तो हो गए types of soil. अब soil के बारे में और बात करते हैं, जैसे soil erosion. समय के साथ मिट्टी का हवा, पानी आदि के कारण जो बहाव होता है, यानी सॉइल की जो टॉप लेयर है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं और जिसमें पैदावार होती है, वो धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो कम होती जाती है उसे सॉइल इरोजन कहते हैं. इसके कारण मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती जाती है और वो धीरे धीरे बंजर हो जाती है. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? The various causes of soil erosion are strong winds, heavy rains, deforestation, overgrazing of animals, etc. After coming to know the causes of soil erosion, let us see the effects of soil erosion. Firstly, the important fertile soil is lost, which affects the agriculture as the land becomes less fertile. पेड़ों के कटने के कारण वहाँ सूखा होना शुरू हो जाता है, यानी बारिश भी कम होगी. दूसरा, जो मिट्टी बहकर गई है वो तालाबों, नदियों में इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण ना केवल वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि उन जगहों पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी. जब मिट्टी वहाँ डिपॉजिट होगी, it will also convert more fertile land into deserts, which will not only cause great economic losses to the nation but also the loss of biodiversity of that area. So now the question that arises is,
कैन वी डू समथिंग टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कैन बी एफॉरेस्टेशन. बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज द विंड वेलोसिटी कैन बी चेक्ड. डूइंग क्रॉप रोटेशंस इन द प्लेन्स एंड कंटूर फार्मिंग इन द माउंटेनियस रीजन. बाय डेवलपिंग ग्रेजिंग लैंड्स फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स. ऑल्सो बाय कलेक्टिंग द रनिंग वाटर so that it does not wash away the useful topsoil. So these are the various ways by which we can conserve the soil.